अगर किसी को एलर्जी हो जाए और एलर्जी की वजह से हाथ का मांस फट जाए, इसकी सबसे बड़ी वजह है आपका नमक और आपकी चीनी। एलर्जी की सबसे बड़ी वजह क्या है? नमक और चीनी। इसको साइंटिफिकली समझ लो, चीनी किस चीज से बनती है? गुड़, गन्ने से। मेरे मोहतरम भाइयों, चीनी के अंदर चूना डाला जाता है। चीनी के अंदर क्या डाला जाता है? और चूना कौन सा होता है? ये जिसे आप कली करते हो, जिसे क्या करते हो? अच्छा, वो कली हाथ पे लगे तो हाथ क्या होता है? हाथ क्या होगा? फट जाएगा। और अगर वो चीनी के अंदर चला जाए तो फिर क्यों स्वास का काम करेगा? मेरे मोहतरम भाइयों, ये जितने लोगों के जख्म होते हैं मुंह के अंदर, जितने लोगों के खुराक की नाली के अंदर, मेदे के अंदर, आंतों के अंदर, और जिसकी ये स्किन फटती है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है। अकेले नहीं, अब मीठा खाते तो फोड़े हुए ये नहीं कहते हैं, और गुड़ खा के तो फोड़ों का इलाज होता है। मेरे मोहतरम भाइयों, चीनी और नमक छोड़ दो। चीनी और वो नमक जो समंदर के पानी से बना है, इमाम ने कही, हमने किताब लिखी ज़ादुल माद, उसके अंदर लिखा, जो बंदा समंदर के पानी से नमक बनाएगा और फिर उसको खाएगा, वो अपने बदन में अनगिनत बीमारियां भरेगा, अनगिनत। और आज हमारे घरों का नमक कौन सा है? जो हमारी नानियां दादियां डला लेके आती थी घर में, कूटती थी, पीसती थी, वो वाला है कि समंदर वाला है, जिसको कहते हैं नेशनल आयोडाइज सॉल्ट। हमारे घरों में मेरे मोहतरम भाइयों, समंदर के पानी से बना हुआ नमक छोड़ दो, और जो डले वाला पिंक हिमालयन सॉल्ट नमक है ना, चलो मैं तुम्हें एक नवी गल सुनाना। अपनी औलाद से कौन कौन परेशान है? हाथ खड़ा करो। कोई भी नहीं परेशान, माशाल्लाह। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर आप चाहते हो ना कि औलाद आपके साथ वफा करे, भाई आपके साथ वफा करे, बहनें आपके साथ वफा करें, उनको पत्थर वाला नमक खिलाओ। सारे को या सुभान अल्लाह, एक बारी फिर सुभान अल्लाह। मेरे मोहतरम भाइयों, इंसानों के अंदर वफा नमक से होती है। वो कहते नहीं यार, बंदा बड़ा नमक हला ले, बंदा बड़ा नमक, करैक्टर नमक बनाता है। नमक के अंदर 84 मिनरल्स हैं, और वो नमक जो अल्लाह ने पैदा किया था, वो खेड़ा का नमक था, वो डले वाला नमक था, और हम सब ने वो नमक क्या किया, और उसकी जगह वो नमक ले आए जिसमें निरी बीमारी है। और ये नमक जो आप लोग खाते हो ना, ये समंदर के जानवरों के लिए है। समंदर में जो मछलियां मरती हैं, हमारे लिए समंदर की मरी मछली हलाल है कि हराम है? क्यों? क्योंकि उसमें वो नमक है। अल्लाह ताला उस नमक के जरिए उसके अंदर स्मेल नहीं पैदा होने देता। तो ये किसको महफूज करने के लिए थी? आप भी मखलूकात को। अल्लाह ने हमें किस चीज से पैदा किया, तो हमारे लिए चीजों को कौन सा पैदा किया? समंदर वाला कि मिट्टी वाला? मेरे मोहतरम भाइयों, एलर्जी की सबसे बड़ी वजह आपका नमक और चीनी है। इसको बदलो, पत्थर वाला नमक ले आओ और गुड़ ले आओ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और जिसको ये एलर्जी हो गई है, वो क्या करे? गुलाब का अर्क ले, गुलाब का और ग्लैसरीन ले, बराबर मिकदार में गुलाब का रस और ग्लाइसरीन मिक्स करके मेरे मोहतरम भाइयों अपने हाथों पे लगाओ, एलर्जी इसी से ठीक हो जाएगी। गुलाब का अरक आपको गुलाब की तरह बना देगा।